सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको लेस लगाकर पोंछे का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ये लेस ली हुई है जिससे हम बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाएंगे, और ये मैंने पोंछा बनाने के लिए बुकरम ली हुई है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से डिजाइन बनाना है। दोस्तों पोंछा बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बुकरम लेनी होती है जिसकी जो लंबाई होगी हमारी पोंछे के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे मैंने पोंछे के हिसाब से बुकरम ली है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हमने यहाँ पे एक कपड़ा लेना है इसी बुकरम के हिसाब से। इस कपड़े की चौड़ाई थोड़ी बुकरम से ज़्यादा होगी इस प्रकार से। अब हम इस तरीके से कपड़े के ऊपर बुकरम रखेंगे और यहाँ पे हम एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे जो नीचे की साइड है हमारी। अब हम दूसरी साइड से जो कपड़ा हमारा होता है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं बुकरम के ऊपर। और यहां पे हम बुकरम का सेंटर बनाएंगे इस प्रकार। अब हम सलवार का पोंछा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सीधी साइड हमने सलवार की ऊपर रखनी है और इस प्रकार यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हुए सलवार का भी और पोंछे का भी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम इस बुकरम को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस प्रकार ऊपर से यहां पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। और एक सिलाई हम ऊपर की साइड लगाएंगे, यहाँ पे भी हम चाहे आप नीचे की साइड से लगा सकते हो इस तरीके से, अगर आप ऊपर से लगाना चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये सिलाई भी हम एक पैर चौड़ाई वाली लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सिंपल बुकरम वाला पोंछा कंप्लीट किया है। यहाँ पे दोस्तों हमने ऊपर नीचे सिलाई लगा के यहाँ पे प्लेन पोंछा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम जैसे मैंने बताया था लेस लगाएंगे, एक लेस हम ऊपर की साइड लगाएंगे और एक लेस लगाएंगे नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड लेस लगा लेते हैं। अब हम जो ऊपर वाली सिलाई है उसके सेंटर में इस तरीके से लेस लगाएंगे।
इस तरीके से लेस लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है सेंटर में। डिजाइनिंग डालने के लिए हम एक साइड से इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, दूसरा निशान फिर 3.5 पे लगाएंगे, फिर आगे की साइड भी इसी तरीके से सभी निशान 3.5-3 इंच पे कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा 3.5 का ये सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पे ऊपर की साइड, इस तरीके से निशान लगाएंगे हल्का हल्का सेंटर पॉइंट पे। अब हमने यहां से गोलाई देनी है और सेंटर पॉइंट पे ले जाते हुए इस तरीके से इस प्रकार यहां पे ये शेप डालेंगे। ये हमने यहां पे शेप डाल दी है, कंप्लीट कर लिया शेप डाल के। और अब हम एक लेस लेंगे इस तरीके से यहीं पे पूरी गोलाई में, इसको सेंटर बनाते हुए जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा लेस हमने यहाँ पे वो यूज करनी है जिसमें गोलाई आ जाए। कई बार हम ऐसी लेस खरीद लेते हैं जिसमें हमारी गोलाई यहाँ पे नहीं आ पाती। ये जो हम मैंने लेस ली है किसी भी गोलाई में ये इस तरीके से राउंड हो जाती है, तो आपने वही लेस यूज करनी है जो राउंड आ जाए। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेस लगाएंगे, जैसे मैंने इस साइड इस तरीके से राउंड बनाया है तो यहाँ पे इस प्रकार रखेंगे और इस तरीके से सेम इसी तरीके से हम आगे की साइड लेस लगाते जाएंगे। इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है जैसी शेप हमारी इस साइड की होगी सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके की शेप डालते हुए आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरी साइड भी ये लेस अपनी कंप्लीट कर ली है और इस प्रकार अपना मोरी का डिजाइन कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर ये डिजाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
अब हमने ऊपर की साइड यहाँ पे डिजाइन डालना है। ऊपर की साइड डिजाइन डालने के लिए हमने एक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 2.5 इंच की होगी, और इसकी जो हम लंबाई रखेंगे जितना हमारा पोंचा है इससे 3 गुना रखेंगे। जैसे हमारा 17 इंच है तो इसको हम 3 गुना पोंचा पट्टी को रखेंगे, और इस पट्टी को जो हमारी 2.5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी है इस पट्टी को ऊपर से इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इसमें हम एक साइड से प्लेट डालेंगे इस प्रकार से। हल्की हल्की प्लेट डालनी है आपने, ज्यादा बड़ी प्लेट नहीं डालनी है। दोस्तों बराबर गैप रखते हुए हमने यहाँ पे प्लेटें डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 6 से 7 प्लेटें डाली हैं, पूरे पोंचे में हम इसी प्रकार से प्लेटें कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने एक साइड यहाँ पे ये सभी प्लेटें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम दूसरी साइड भी, जो हमने नीचे की साइड ये सिलाई लगाई थी ये वाली, इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से ये प्लेटें सेम तरीके से दबाते जाएंगे। जैसे हमने सामने डाली है इसी प्रकार इस साइड भी। यहाँ पे भी दोस्तों सभी प्लेटों को हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सेट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की है, आगे की साइड भी ऐसे ही करेंगे। प्लेटों को सेट करने के बाद हम यहाँ पे हल्का हल्का मार्जिन कटिंग कर लेते हैं इस साइड का, क्योंकि ऊपर की साइड हमने यहाँ पे लेस लगानी है। अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो ये मार्जिन बाहर की साइड नजर आएगा। हमें यहाँ पे इतना ही मार्जिन रखना है जो हमारी लेस के नीचे अच्छे से कवर हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक नीचे की साइड लेस लगाएंगे इस तरीके से। जो दबाव होता है वो हमारा, जैसे कच्ची लब होती है, ये हमारा लेस के नीचे अच्छे से दबना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे ये लेस
लगाते हुए नीचे वाला दबाव कवर करेंगे। दोनों साइड हमने यहाँ पे ये लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। लेस कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगाते हैं, इस प्रकार से पोंछे के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे ये निशान। और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे सेंटर की। इस सिलाई में हमने हर प्लेट को इस तरीके से फोल्ड करना है उल्टी साइड, जैसे जिस साइड हमने फोल्ड किया था प्लेट को उसके अपोजिट साइड हमने इस तरीके से इस प्लेट को फोल्ड करते जाना है। जैसे जैसे हम फोल्ड करते जाएंगे इसी तरीके से हमारा डिजाइन तैयार होता जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये सभी प्लेटें अपनी जिस साइड को डाली थी उससे अपोजिट साइड हल्की हल्की सी इस तरीके से दबा दी है। अब हम यहाँ पे जो सिलाई हमने सेंटर में लगाई है इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से लेस रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। दोनों साइड का जो हमारा गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। और इस तरीके से देखेंगे दोस्तों हमने बहुत ही सुंदर अपना पोंछे का ये डिजाइन कंप्लीट किया है। अब हम इसको इस तरीके से जब हमारा पोंछा तैयार हो जाता है जितना भी हमें रखना होता है, जैसे यहाँ पे हमें 7 इंच पोंछा रखना है तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे साइड की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करेंगे। अब हम पोंछे को सीधा करेंगे। दोस्तों साइड वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारा इस तरीके से बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला पोंछा कंप्लीट हो जाता है, जो यहाँ पे हमने प्लेटें डाल के और यहाँ पे ऊपर की साइड लेस लगा के तैयार किया है। एक साइड हमारी ऐसे आएगी, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से रहेगी। दोस्तों अगर ये पोंछे का डिजाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।